A very good morning to all of you. Welcome to the Wi-Fi Study Channel, changing the way of learning. India is number one online education channel and the part of an academy. So guys, subha subha ki ye class GK ki kuch question aur saath mein kuch question current affairs ke. So, today's current affairs ke jo question hai na, wo bahut hi zada important hai. Aur ek chiz aur. कल की जो class होने वाली है आपकी वो होने वाली है March के current affairs के questions के basis पे यानी कि कल है थर्टी फर्स्ट मार्च तो विल मेक इट अ रूल कि हर लास्ट जो महीना मतलब महीने की जो आखिरी तारीख होगी ना उस दिन हम मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं या उस हफ्ते के जो उस महीने के जो करंट अफेयर्स है ना उसके क्वेश्चन जो है ना वो रिवाइज कर लिया करेंगे तो कल मैं आपको जो है ना रिवाइज कराऊंगी क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड होंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे थर्टी मार्च ठीक है बराबर है ये वाली चीज समझ आ गई है ना भाई कल आपको पूरा रिवीजन करके आना है न? जितना भी थर्टी फर्स्ट मार्च और साथ में इनमें जो मार्च की जो तारीख होती है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो भी करंट अफेयर्स है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड होगा यानी कि जो भी नेशनल न्यूज है आपकी जो भी जो भी आपकी नेशनल न्यूज के अलावा इंटरनेशनल न्यूज है थोड़ा सा लंबा सेशन लेके मार्च की जो पूरा पार्ट है ना वो यहाँ पे बंद करेंगे ठीक है मैप्स जो है वो भी आएंगे डिटेल पीडीएफ और साथ में इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स जो है ना उनको भी कवर करने वाले हैं सेवन पी एम की क्लास में आज आपका क्या होने वाला है भाई आज होने वाला है राजस्थान तो सात बजे वाली क्लास में कल गुजरात जो है ना वो कवर कर लिया था हमने तो गुजरात की पूरी आपकी पीडीएफ अपडेट हो गई है ना तो एक बार पीडीएफ जो है ना वो एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा सेक्शन रिवाइज कर लीजिएगा अभी हुई नहीं है क्या अपडेट अच्छा ठीक है मैं अभी इसको बैठ के ना चेक करती हूँ यहाँ पे तो आज के क्वेश्चन तो इजी है आज के क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और फटाफट ना आप मुझे बहुत सारे सही आंसर्स जो है ना वो देने वाले हो तो एक तो गुजरात के लिए याद रखिए और दूसरा चीज याद रखिए राजस्थान तो गुजरात और राजस्थान ये दो आपकी बैक टू बैक स्टेट गुजरात कल कर लिया राजस्थान जो है वो आज कवर कर लेंगे उसके बाद आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ठीक है ना बराबर है कोई दिक्कत नहीं है ना चलिए राजस्थान आज की क्लास में थर्टी मार्च टाइम रहेगा आपका सात बज के दो मिनट पे उसके अलावा एसएससी के सीजीएल में और सी एच एस एल के लिए सी का आपका एग्जाम भी आने वाला है ना हॉल टिकट कई बच्चों के आना शुरू भी हो गए तो आपका एक यूनिकॉर्न बैच चल रहा है जिसमें साइंस के जो है ना वो मैं आपके पढ़ाने वाली हूँ यानी कि साइंस की क्लासेस जो है वो मैं आपको लगाने वाली हूँ और इस समय चल रहा है बायो तो एनिमल टिश्यूज के ऊपर हम आज की आ, आज या कल क्लास है ना तो एनिमल टिश्यूज के ऊपर मैं पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगी प्लस में सारी क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी जहाँ पे आप कोड यूज़ करके पे एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हो और आपकी जो टेलीग्राम लिंक है उसमें सारा पीडीएफ 6 पीएम का क्लास 7 पीएम का क्लास इन सब का लिंक और टेलीग्राम भी आपको मिल जाएगा चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बताइए हु वॉज दी फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जो है वो किसको बोला जाता है क्या हो गया सीजीएल आपका 21 अप्रैल काफी सारे बच्चों का लाइनअप है 11 अप्रैल से भी शुरू है तो ये वाला पेपर थोड़ा सा लंबा रहता है ना आपका सीजीएल वाला मतलब काफी ज्यादा पार्ट्स में होता है तो कई सारे बच्चों के अलग अलग डेट्स जो है ना वो मुझे सुनने को मिल रहे हैं चलिए कोई बात नहीं पहला क्वेश्चन बताइए हु वॉज दी फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया आर्मी भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष जो है ना वो किसको बोला जाता है यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश कौन सी तारीख को हुई थी देखिए 15 जनवरी 1949 को 15 जनवरी 1949 को हमने आजाद भारत के अंदर यानी कि जब हमने आजादी को ले लिया तो आजाद भारत के अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको 15 जनवरी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं कि पहली बार भारत का कोई कमांडर इन चीफ जो है वो बनाया गया था इसीलिए भारतीय अध्यक्ष जो है वो लिखा हुआ है भारतीय सेना अध्यक्ष इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी लिखा हुआ है ना तो आप इस क्वेश्चन में कई चीजें याद रखिएगा कि भाई पहली बात तो जनरल के एम करियपा है ना करियप्पा के नाम से याद रखिए दूसरी चीज याद रखिए 15 जनवरी 1949 को पहली बार हमारी जो आर्मी थी उसके सेना अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो भारतीय बनाए गए थे क्यों भाई भारतीय क्यों बोल रहे हो आप क्योंकि इससे पहले जो है ना वो आपकी इंडियन आर्मी किस किस आ, किस तारीख साल में हुई थी आप में से किसी को भी पता है है कि भारतीय भारतीय सेना सेना या सेना जो है वो पहली बार कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था इंडियन आर्मी कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था ये बताइए आंसर इसका बिल्कुल जनरल के एम करियप्पा है आप बस मुझे बता दीजिए अगर यही क्वेश्चन मैंने पूछा होता कौन सी साल में इंडियन आर्मी ब्रिटिश इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई थी तो आप करते अप्रैल अप्रैल ठीक है अब आप भूलना नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1885 को इसको स्टैब्लिश कर लिया गया था लेकिन जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1895 को तो आप ये वाली डेट ज्यादा याद रख लो एट एक, एक अप्रैल 1895 को भारत की जो सेना थी या भारत की जो आर्मी थी उसको शुरू किया गया था लेकिन उस समय था ब्रिटिश काल बाद में 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के भारतीय सेना अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे इंडियन चीफ जो है वो बनाए गए थे जिसमें भारत के पहले इंडियन चीफ जो है वो कौन बने थे जनरल के एम करियप्पा ये सारा आपको लर्न करना होगा पार्लियामेंट ऑन थर्टीन जनवरी नाइनटीन एटी फाइव एंटी डिफेक्शन बिल क्या बोला जाता है दल बदल कानून दल बदल कानून है ना एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसको ये क्या था मतलब क्या होते हैं कि कई सारे जो एम और एम होते हैं वो इलेक्शन से एकदम ठीक पहले अपनी पार्टी बदल देते हैं जिस समय उनको ये लगता है ना कि भाई नहीं इस सरकार में ना हमारा काम अभी होने वाला नहीं है तो जो सामने वाली पार्टी है ना वो जीत सकती है तो एकदम जो है ना डेट से पहले मतलब क्या हैं कि भाई एकदम डेट जैसी आई इलेक्शन की उस टाइम उन्होंने अपना दल बदल लिया इसके विरोध में एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985, जिसने ये दल बदल जो है न, उसको रोका और कौन से शेड्यूल के अंदर आता है ये भी बताइए जरा शेड्यूल क्या है इसमें कौन से शेड्यूल के तहत आता है कौन सी अनुसूची है तो आप क्या याद रखोगे टेंथ शेड्यूल के अंदर में इसको शामिल किया जाता है किसमें टेंथ में ना इसको शामिल किया जाता है। अंडर मीर was required to look after. ये के अधीन मीर बख्शी को किस चीज की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी एंटी डिफेक्शन लॉ फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव शेड्यूल नंबर टेंथ दल बदल कानून इसको बोला जाता है ताकि इलेक्शन से कुछ पहले कुछ पार्टियां जो अपना ये कर लेती है ना बिन पैदी का काफी ओपन पॉलिटिक्स जैसे रामदास अठावले जी आपने सुने उन्होंने क्लियरली राहुल गांधी जी को बोला था ना एक पॉलिटिकल ये सभा जब चल रही थी कि भाई जिस तरफ हवा थी हम चले गए हम इसीलिए कांग्रेस से हटके जो है ना वो बीजेपी में चले गए है ना ये बताइए मीर बख्शी जो है वो किस चीज को देखते थे मिलिट्री अफेयर करके याद रखिएगा मिलिट्री अफेयर सैन्य मामले जो है वो किसके द्वारा देखे जाते थे मिलिट्री अफेयर्स मीर बख्शी विच ऑफ पार्टली ऑन दी नॉर्थ ऑफ दी हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय के उत्तर यानी कि अगर हिमालय की पोजीशन को मैं यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ और यहां से नॉर्थ की तरफ से लेके साउथ की तरफ आपसे पूछे तो आप जरा बताइए हिमालय के नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन सा स्टेट जो है वो आपका आता है स्टेट या यूटीज लिख सकते हैं स्टेट या फिर यूटीज भी लिख सकते हैं स्टेट यूटी लाई पार्टली ऑन दी नॉर्थ ऑफ हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय के उत्तर में स्थित है काराकोरम कौन सी एरिया रहेगी इसमें कई देखो नॉर्थ की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ में नहीं है हिमाचल प्रदेश हिमालय के आपके उत्तराखंड तक जाते हैं ना हिमालय सारे उत्तराखंड तक जाते है आपका हिमालय तो हिमाचल इज इन दी सेंट्रल उत्तराखंड रहेगा साउथ में नॉर्थ में जो है वो आपका यूटी रहेगा यूटी रहेगा कौन सा जम्मू और कश्मीर ठीक है जम्मू कश्मीर यूटी जो है आपका ये नॉर्थ में हो गया अगर वेस्टर्न मोस्ट की तरफ पूछेंगे तो भी आपके जम्मू कश्मीर का ही कुछ भाग होगा लेकिन प्रोबेबली वेस्ट पूछा जाएगा तो आप लद्दाख जो है वो ज्यादा आंसर दोगे और ईस्टर्न में आपको पता है कि भारत का जो हिमालय वाला पार्ट है वो शुरू से लेके एंड तक ए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब रन करता है तो वो अरुणाचल प्रदेश तक हिमाचल हिमालय की जो रेंजेस हैं वो जाती हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश करके लिखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ के हिसाब से आपको जम्मू कश्मीर जो है वो देना रहेगा यू एज हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग जो है वो पाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन में कितने मेन प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो आपके लोकेटेड है देखिए यूनाइटेड नेशन इसकी पूरी अरेंजमेंट के अंदर आपके पास छ अच्छा मैंने आंसर ही, इसके बाद आपके यूनाइटेड नेशन देखिए और महीना कौन सा था भाई अक्टूबर में शुरू किया गया था शुरू कब किया गया था जब वर्ल्ड वॉर जो है ना उसको खत्म करा गया था 44 में तो 1939 से लेकर 1944 तक आपका वर्ल्ड वॉर जो है वो चालू है वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट की थी है, किसी को आइडिया है पहले वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज जो पार्टिसिपेट की थी वो 32 से 35 बताई जाती हैं ठीक है कुछ कंट्रीज जो है जैसे वॉर के लिए जो आर्म्स हैं वो सप्लाई कर रही हैं तो आइडियली उनको भी पार्टिसिपेशन में ही माना जाता है तो पहले वर्ल्ड वॉर में जो है वो आपकी पैंतीस कंट्रीज लिखेंगे पैंतीस कंट्री शामिल थी आपको किसी को कोई पता है यहाँ पे कि वर्ल्ड वार टू के अंदर कितनी इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देती हूँ तो वर्ल्ड के अंदर ना कितने देश जो हैं वो शामिल थे जो कि वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लिए थे एक आपका क्वेश्चन है मतलब दिस इज यूज टू से कि ये जो पूरा विश्व है ना ये अठारह से लेके बीस न्यूक्लियर वेपन्स पे बैठा हुआ है इस समय आप ये समझो कि 18 से बीस हजार न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया में ना बिछे हुए हैं और जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं जिनका मतलब वर्ल्ड में नाम लिया जाता है उन सबके पास भर भर के न्यूक्लियर पावर्स जो है वो रखी हुई है कुछ तो ऐसी कंट्री है जो मतलब जिनके पास नहीं भी होना चाहिए उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है तो इट इज़ यूज टू से कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो कंट्रीज पार्टिस पार्टिसिपेट की थी उनकी एग्जैक्ट संख्या थी सत्तर सिक्सटी सिक्सटी सिक्स नहीं तो कहने लगेंगे इसमें यहाँ पे सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर पैंतीस कंट्री थी और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर एग्जैक्टली इसकी डबल सत्तर कंट्री हो जाती हैं और आइंस्टीन सर आइंस्टीन हम सबको बताया ना आइंस्टीन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि इन केस अगर वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ तो तकरीबन तकरीबन डेढ़ सौ देश जो है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो शामिल होंगे वर्ल्ड वॉर थ्री के अंदर और दैट विल बी न्यूक्लियर वेपन वॉर तो आपको बताइए रशिया और ये जो यूक्रेन का भी चल रहा है तो धमकी दी जा रही है रशिया भी न्यूक्लियर वॉर करने से हिचकिचाएगा नहीं ऐसा बोला जा रहा है बट इन बिटवीन जो जलेंस्की हैं वो पुतिन से जाके मिल सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट भी आ रही है तो छे करके आप याद रखिए यूनाइटेड नेशन के आपके छे प्रिंसिपल हैं जिसमें से जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल करके बोला जाता है और यूएन का जो हैडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है न्यूयॉर्क के अंदर लेकिन यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो बोली जाती है वो बोली जाती है वियना ये याद है ना वैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है लेकिन यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो बोली जाती है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी जो कि आपकी आ, यहाँ पे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के अंदर जो है ना वो आपकी लोकेटेड है तो आप ये पूरा सिनेरियो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता इन छः को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है ना उसके बाद ही होता है अच्छा यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुरानी जो एक पार्ट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से ना काउंट किया जाता है तो ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा है ना और इस पॉइंट को कभी डिटेल में समझ लेंगे पूनो नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान पे ये तो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है फटाफट पड़ बताए जा सकते हैं पढ़ ले भाई वो तो आप भी कर रहे हैं अभी बताओ थोड़े से ये फैक्ट्स हैं आपको लगा अच्छा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू कहीं दूर दूर तक खबर है कि बस यही खबर है कि हुए थे पर कब हुए थे क्यों हुए थे रीजन क्या थे क्या थे नहीं पता रीजन क्यों हुए थे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू तारीख के अलावा ये सारी चीजें पता है रीजन पहली बात कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो शामिल थे किन किन कंट्रीज से ये ओरिजिनेट हुआ था मतलब जैसे जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेजन शुरू किया

देखिए वर्ल्ड वॉर के अंदर डेट मैंने वही बोला ना डेट्स के अलावा कुछ याद है कि नहीं याद है तो ये ऐसे थोड़ी बताओ क्या होता है थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ेगा ना वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के लिए आपको अलग से क्लास चाहिए भाई एलाइड पावर और एक्सेस पावर करके वर्ल्ड वॉर टू में तो दो ही कंट्री दो ग्रुप्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में दोनों के दोनों जो है वो लड़ रहे हैं कौन सी कंट्री कहाँ पे शामिल है ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में जब हुआ तब वो पहली वॉर बोली जाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में जब इन्वेजन शुरू हुआ तो वो दूसरी ऑस्ट्रिया सर्बिया ऑस्ट्रिया सर्बिया हंगरी ये तीन कंट्री जो है वो पहली वर्ल्ड वॉर शुरुआत करती हैं जर्मनी और पोलैंड जो है वो दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है उसकी शुरुआत यहाँ पे कर रही है तो इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं तो भाई असम उत्तर प्रदेश में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉ देखिये हर, हर उस जगह पे ट्रॉपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे जहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा मॉइस्ट होता है मॉइस्ट का मतलब कि रेन जो है वो अच्छी खासी हो रही है बारिश अच्छी खासी यहाँ पे हो ही रही है अंबेडकर जयंती कौन से दिन में सेलिब्रेट की जाती है अंबेडकर जी बाबा साहेब राव अंबेडकर भीम राव जी हमारे संविधान के रचयिता इनको बोला जाता है है ना अगर आ, महात्मा जा महात्मा गांधी जी की कोटेशन थी कि अगर भारत में संविधान कोई बहुत अच्छे से जानता है तो वो कौन जानता है अंबेडकर जी भारत के संविधान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं इसीलिए उनको मतलब संविधान की जो समझ है ना वो अंबेडकर जी की है इसीलिए भारत का संविधान लिखने के लिए अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड जो है वो बनाया गया था अंबेडकर जी की डायरेक्टली जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा आइडियल मैच नहीं करते थे गांधी जी के साथ तो कभी दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं कि बैठ के चलिए आज आ, बात करते हैं ऐसी वाली कोई सिचुएशन थी नहीं अंबेडकर जी जो है वो अलग आइडियल के थे यहाँ पे भारत के संविधान में कई सारे पॉइंट जैसे आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल कहने वाले हमारे अंबेडकर जी थे हमारे आर्टिकल नंबर 356 को डेड लेटर कहने वाले अंबेडकर जी थे मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती जो है वो मनाई जाती है तो फोर्टींथ अप्रैल करके याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करता है कल आपका करंट अफेयर वाला रैपिड सेशन है ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो एकदम सीक्वेंस में सेवेंथ अप्रैल आपका वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेवेंथ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है व्हाट वाज दी इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है वो क्या था पहला तो आपको पता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में हुआ था जिसमें जो हेड था ना उसकी हत्या कर दी गई थी जिसकी वजह से वॉर शुरू हुआ सेकंड रीजन क्या था मतलब सेकंड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था वर्ल्ड वॉर टू 1939 सितंबर 1 1939 को ये सब सिचुएशन जो है वो शुरू हो रही है वॉर शायद अगस्त में ही शुरू होने वाली थी लेकिन थोड़ा सा हिटलर को जो है वो रोक के रखा गया था नाजिजम जिसको बोला जाता है ना तो हिटलर आज रशिया जो है वो यूक्रेन से एक और चीज की डिमांड कर रहा है रशिया को रशिया ने यूक्रेन को क्या बोला है पहली चीज तो भाई तुमको नाटो में नहीं जुड़ना है क्योंकि नाटो बना ही नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के लिए लेकिन फिर भी नाटो में कुछ यूरोपियन देश जो है वो शामिल हो गए हैं जबकि 1991 के एग्रीमेंट में ये क्लियर था कि कोई भी कंट्री जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगी देखो सीधी सी चीज है नाटो का इतना क्यों किया जा रहा है क्योंकि जो कंट्री नाटो का हिस्सा बनेगी वो कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ की कटपुतली जो है वो बन जाएगी और रशिया और अमेरिका जो है वो सदियों से ना दुश्मन है मतलब आप ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे को ओवर करने की कोशिश करते हैं कौन वर्ल्ड लीडर बनेगा ना ये दोनों कंट्रीज जो है वो Uh, कोशिश करते हैं एक को वेस्टर्न कंट्री बोला जाता है एक को ईस्टर्न पावर करके बोला जाता है तो वेस्टर्न पावर अमेरिका ईस्टर्न पावर जो है वो आपकी रशिया को बोला जाता है नाटो में शामिल होने का नहीं है और दूसरी सिचुएशन ये है कि रशिया ने यूक्रेन को बोला है कि अपने कंट्री से नाजिज्म जो है ना उसको खत्म करो नाजिज्म किससे रिलेटेड है

जर्मनी ऑफ़ पोलैंड पोलैंड या जर्मन जो है वो पोलैंड पे आक्रमण करने लगता है इसीलिए नाटो की स्थापना देखो इसीलिए की ही गई थी 1949 में कि रशिया जो है ना उसको कंट्रोल किया जा सके रशिया ने कई बार पुतिन ने कई बार नाटो का बोला कि चलो अगर आपको इतना प्रॉब्लम है ना आप छोटे, -छोटे कंट्रीज को शामिल कर रहे है, बनाया है, इसलिए गया था कि इन कंट्रीज में से किसी में भी प्रॉब्लम होती है या दुनिया में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नाटो कंट्रीज जो है उसको हेल्प करेंगी बट ये अभी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में झूमिंग एग्रीकल्चर जो है वो आपके उस कृषि को क्या कहा जाता है झूम कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है बताओ बताओ जल्दी 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 हाँ थर्टी अभी आपके शामिल हैं रशिया बोल रही है ना कि अगर रशिया ने बोला था एक बार को कि भाई अगर आपको ऐसे है ना कि आपको नाटो इतनी ज्यादा स्टैब्लिश करनी है तो रशिया को कर लो ना शामिल लेकिन भाई किया नहीं रशिया को शामिल क्यों क्योंकि उनका तो मेन मोटिव ही रशिया को खत्म करना है नाटो क्रिएट इसलिए किया गया था ताकि रशिया की यूनैनिमिटी युना, जो है ना उसको खत्म किया जाए है ना तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा झारखंड में झूम कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं तो कुरुवा करके याद रखिए क्या बोला जाता है अच्छा, कल्टीवेशन वैसे आपके भाषा में अगर मुझे आपको समझाना हो कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं शिफ्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट करके आराम से तो आपका छत्तीसगढ़ अगर रहेगा तो उसको दीपा बोलते हैं अच्छा ये दीपा कहाँ पे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन को छत्तीसगढ़ के अंदर क्या बोला जाता है दीपा है ना ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी भी एग्जाम में उठ के आते हैं ना तो लगता है पता नहीं कई कई पूछ लिया आपसे और पामलो जो है वो मणिपुर के अंदर बोला जाता है मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर का जरा नाम बताइए एक बार कोरवा करके याद रखिये वेयर इज दी प्रोशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पर प्रोशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट कहाँ घोषित किया गया था तो ये आपके इसी से रिलेटेड है आपका पूरा, पूरा ये मैंने आपको पूरे लिख के दिए तो टेंशन नहीं लेना बहुत ही मुश्किल से नाम है मुझे समझ आ रहा है तो मैंने आपके आउटसाइड इंडिया और इंडिया के अंदर भी जो नाम है ना उनको सबको सब लिख के दिया ठीक है थीके? तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा काफी डिटेल्ड में है ये पर्शियन किंग विलियम्स को वर्सेल करके याद रख लीजिए वर्सेल में जर्मन का एम्पर जो है वो बनाया गया था 900 किलोमीटर की चार धाम राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे इसकी जो पूरी फॉर्मेशन है वो की जा रही है चार धाम यात्रा चारधाम यात्रा में कौन कौन सी चीजें आती हैं गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ हालांकि आपके चार धाम यात्रा दो जगहों को बोला जाता है एक तो बद्रीनाथ ये गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ दूसरा गंगोत्री यमुनोत्री को लेके नीचे रामेश्वरम जो है उसको मिलाया जाता है और द्वारिका जो है उसको मिलाया जाता है तो आपकी दो तरीके की चार धाम है एक तो सारी की सारी इस राज्य के अंदर यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है और अभी जो है ना इसको बाय रेल जो है वो जोड़ा जा रहा है तो प्रपोज जो है वो चार ये 900 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना है ये और लेंथ भी जो है ना इसकी 900 हंड्रेड किलोमीटर के आसपास जो है वो बनाई जाएगी कहां पे लोकेटेड है उत्तराखंड कौन बने हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अभी वापस से रिपीट किए हैं इलेक्शन हारने के बाद भी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पुष्कर सिंह धामी और मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है वीरेन सिंह जो कि फिर से आपके जो है वो पुराने रिपीट किए चारधाम यात्रा जहां पे बद्रीनाथ गंगोत्री केदारनाथ आ रहा है यमुनोत्री को जोड़ा जा रहा है तो ये जोड़ने के बाद आपकी चार धाम यात्रा जो है वो बन जाएगी रबड़ जो है ना ये किसकी फसल है मतलब इक्वेटोरियल है पोलर है सब पोलर है या डेजर्ट है रबड़ में भारत के अंदर दो राज्य जो हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हैं आपके एक तो केरल करके याद रखिए केरल के अंदर रबड़ का कम से कम 85% जिसको आपके बुक्स में आपको 84.56% जो है वो मिलेगा भारत में रबड़ का एक मोनोपली जो है ना वो केरल के पास ही है केरल सबसे ज्यादा भारत में रबड़ जो है उत्पादित करता है और बाकी की सोलह परसेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है जिसमें से मेघालय मणिपुर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सातों की सातों स्टेट्स के अंदर जो है वो रबड़ की क्रॉप आ, फसल जो है वो की जाती है रबड़ की फसल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी है तो इक्वेटोरियल एरिया में वैसे तो ये ज्यादा पाई जाती है भूमध्य रेखा में लेकिन भारत के लिए आपको यह या याद रखना है केरल के पास मोनोपली है 85 परसेंट सोचो रबड़ जो है वो केरल आ, उगा रहे हैं यहाँ पे और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न सोलह जो परसेंट है वो सीधा सीधा नॉर्थ ईस्टर्न को जाता है उसके अलावा किसी भी राज्य में कोई मेजर कल्टीवेशन रबड़ का नहीं किया जाता है भारत के वोटरमैन किसको बोला जाता है देखिये रबड़ का जो टेम्परेचर है ना वो 200 डिग्री सेंटी दो डिग्री नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल अगर होती है ना तो रबड़ जो है वो ढंग से उत्पादित हो जाती है भारत के वाटरमैन किसको बोला जाता है भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं चलिए ठीक है नाम आपको पता होगा इनको मेगसी अवार्ड जो है वो दिया गया था 2001 के अंदर भाई मेगेसी अवार्ड मिलना एक काफी बड़ी बात होती है और 2015 में इन्होंने स्टॉक में जल पुरस्कार भी जीता था कल कल परसों मैंने आपको दिखाया ना कि स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जो है अर्थ आवर के दौरान किसी ने जीता है नाम बताया था मैंने आपको वो मैं आपसे कल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछूंगी दो के बाद दो के अंदर राजेंद्र सिंह जिनको वाटरमैन भारत का बोला जाता है उनके द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार जिसको बोलते हैं ना वो भी जीता गया था राजेंद्र सिंह करेक्ट आंसर है आप बस ये बताइए कौन सी स्टेट के बिलोंग करते हैं कौन सी स्टेट से बिहार से बिहार से बिलोंग करते अरे राजेंद्र सिंह इंडियन इंडियन वाटर कंजर्व कंजर्वेशनिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट करके इनको बोला जाता है ये आपके इनकी एक एनजीओ चलती है ना तरुण भगत सिंह करके नाम से ना तरुण नहीं तरुण भारत सिंह तरुण भारत सिंह के नाम से एक एनजीओ जो है वो चलाई जाती है और ये अलवर राजस्थान से बिलोंग करते बिहार से क्यों क्यों लग रहा है आपको बिहार से करते हैं भाई अलवर राजस्थान से आ, आपके राजेंद्र सिंह जो है ना वो आपके बिलोंग करते हैं टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब इसको ना आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया था बिहार से जो है ना वो वहां पे किसी मतलब कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसके कुछ टाइम के लिए वो कुछ तो रहे थे तो आप राजस्थान करके याद रखें अलवर राजस्थान से जो है वो बिलोंग करते कौन सा टाइटल गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है वो छोड़ा छोड़ दिया था तो आप केसर हिंद करके याद रखेंगे ठीक है केसर हिंद आयो असहयोग आंदोलन के दौरान सारे के सारे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने जो टाइटल्स हैं उनको खारिज कर दिया गया था या उनका समर्पण जो है वो कर दिया गया था विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसको लागू करता है तो ये कौन लागू करता है पंचायती राज करता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करता है मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर की करती है या रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम किसके द्वारा लागू किया जाता है ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बता रहे हैं कि अरे दो जब मैं बोल रही हूं कि 2015 में इनको स्टॉक हम वाटा पुरस्कार जो है वो दिया गया था तो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद जी कहां पे थे वो भाई प्रेसिडेंट थे हमारे ये अभी इसको कैसे कनेक्ट कर... क्या कुछ भी कनेक्ट करना नहीं होता भाई ये राजेंद्र जी अलग है और वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी अलग थे कहा कुछ भी एड नहीं करना है ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर ले तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपकी लागू करती है जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं कुनिक जो है वो किसको बोला जाता है ये बताओ विच आर दी फॉलोइंग एम्पर वॉज नोन एज कसको बोलते हैं पहले आप आंसर बताओ फिर जो है ना मैं बताऊंगी कि किसके लिए कहा जाता है कुनिक शब्द अशोक बिंदुसार बिम्बिसार और अजात शत्रु और इसमें से बताना कि बिंदुसार और बिंबिसार में से अशोक के पापा जो है वो कौन थे पित्रहता कुनिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे पितृहंता करके बोला जाता है पितृहंता बौद्ध धर्म जो है ना उसमें अच्छा खासा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किया जाता है पितृहंता मतलब अपने आ, फादर को मारने के बाद गद्दी पे अगर कोई राजा बैठता है तो उसको पितृहंता का नाम देते हैं और इसमें अजात शत्रु करके याद रखिए अजात शत्रु 483 ईसवी करके याद रखिए ईसा पूर्व जिसको हम लिखते हैं 483 थ्री ईसा पूर्व में अजात शत्रु मगध साम्राज्य के राजा बनते हैं और यही जो है वो क्या कर रहे हैं कि आपके अपने फादर को मार के जो है ना वो यहाँ पे राजा बन रहे अब मुझे ये बताइए अशोक के पापा कौन है बिंदुसार है या बिंबी है बिंदुसार और बिंबिसार सी डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे हैं थे अशोक के पापा राइट अब जो है वो सैनिक है, है ना और कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिंदुसार करके याद रखे अजात शत्रु के जो पिताजी अजात शत्रु के क्यों अशोक के जो पिताजी हैं वो कौन है आपके बिंदुसार बिंदुसार और अजात शत्रु के पापा कौन है वो है बिंबी सार है ना तो यहाँ पे फादर और बेटे का ड्यू जो है ना वो मेंशन किया गया फेमस डांस फॉर्म सालसा ये कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ हुआ है बिंदु बिंबिसार अजात शत्रु बिंदुसार अशोक क्या बात है आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे बिंबी सार जो है वो किससे रिलेटेड है आपके अजात शत्रु से है ना अजात शत्रु तो बिंबी सार की हत्या करके अजात शत्रु मगध की गद्दी पे बैठते हैं और अशोक के फादर जो है वो कौन बोले जाते हैं बिंदु सार और अशोक खुद का क्या कहा जाता है अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक जो है ना वो बैठते है हैं गद्दी पे निन्यानवे भाइयों की हत्या सोचो निन्यानवे भाई सालसा डांस कहाँ से शुरू हुआ तो स्पेन जमाई का कुछ नहीं लिखना है आप क्यूबा लिखिए जिसको दुनिया का चीनी का कटोरा शुगर बाउल करके बोला जाता है तो क्यूबा याद रखिए हु कन्वर्टेड कनिष्का टू द बुद्धिज्म कनिष्का डायनेस्टी आपकी पूरी कनिष्का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कहे जाते थे कनिष्का को बौद्ध धर्म में किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था कनिष्का ने कनिष्का के दौरान एक बुद्धिस्ट सम्मेलन भी हुआ था वो बुद्धिस्ट सम्मेलन में जो मिनिस्टर था वो कौन था उसी ने कन्वर्ट किया था क्या क्या रहेगा आंसर इसमें कोलकाता पुलिस एसआई के के कु, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आपके इसमें कोलकाता पुलिस एसआई से क्या बात है कई भाई बहुत ही इंटेलिजेंट अब तो क्वेश्चन का सोर्स भी पता लगने लग गया आपको कुशाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं कनिष्का कनिष्का डायनेस्टी के दौरान पे या कनिष्का के समय पे बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कराई गई थी जिसमें मिनिस्टर कौन था अश्वघोष इसीलिए बोला जाता है कि कनिष्का जो कि कुशाण डायनेस्टी का सबसे आ, सबसे क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा योग्य शासक के रूप में कनिष्का को जाना जाता था अशोक घोष ने इनको बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने का काम किया ये क्वेश्चन आपके बंगाल के वेस्ट बंगाल का जो एसआई आई का पुलिस एसआई आई का जो अभी एग्जाम हुआ है ना उसी से एज आई टोल्ड यू इस क्लास के अंदर आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं रखना कि भाई ये क्वेश्चन हमको आगे आएगा कि नहीं आएगा यही ये क्वेश्चन एग्जाम है एग्जाम में मतलब कौन से एग्जाम में पूछे है। आप लोग याद रखिए इस क्वेश्चन का इस क्लास के अंदर कराया हुआ एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से ही लिया गया है ताकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना वो एग्जाम के लिए तैयार हो सके तो जैसे शाम को जैसे साइंस के जो क्वेश्चन है या शाम की जो सात बजे वाली क्लास है उसमें एक क्वेश्चन मैं खुद से फॉर्म्युलेट करती हूं लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली 100% ना अभी पीवाईक्यू पे चल रहे हैं हालांकि कल 31 मार्च है कल जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन हमारे खुद के रहेंगे लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर सबसे पहले तीसरे अंपायर द्वारा आउट किया गया था क्या क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको पहली बार तीसरा एम्पायर कब जो फील्ड पे होते हैं अगर उनके द्वारा दिया जाता है और माने नहीं लोग या जो ऐसे करके बोलते हैं ना तो थर्ड एम्पायर जो दो एम्पायर जो ऑलरेडी ग्राउंड में है तो वो आपको ऐसा करके एक सिग्नल देते हैं तो थर्ड एम्पायर जो है वो जूम करके ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को दे रहे होंगे मतलब इसका चीज का आंसर दे रहे होंगे तो भारत के इतिहास में मतलब कहा जाता है कि क्रिकेट लेजेंड ना वो सिर्फ अपने बैट आ, बैट या रन के मामले में नहीं है 1990 की 1992 का टाइम था यहाँ पे एक आ, टीवी एम्पायर कार्ल लेड वर्क करके याद रखिए कार्ल लिब वर्क साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच चल रहा था ना साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच था जिसमें 1992 जो है उसमें कार्ल लिबेनबर्ग अब आप नाम भी याद रखेंगे कार्ल लिबेनबर्ग नाम के थर्ड एम्पायर के द्वारा सचिन तेंदुलकर को थर्ड एम्पायर के द्वारा पहली बार आउट किया गया था तो 1992 जो है वो याद रखिएगा ठीक है 1992 सचिन तेंदुलकर द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हाँ कुछ क्वेश्चन आपके बिहार देखिए मैंने वही बोला ना आपको कभी भी ऐसा किसी एग्जाम के पेपर को बाद में जाके ये फील नहीं होगा कि ना आपके पी या जितने भी इस भारत के अंदर ना एग्जाम होते जाते हैं जैसे स्टेट वाले हैं वेस्ट बंगाल का जब हुआ था तो मैंने वेस्ट बंगाल के पीसीएस के सारे पेपर जो है वो क्वेश्चन जो है उठा के आपको कवर कराए थे सिमिलरली अभी बिहार में दो तीन इंपॉर्टेंट पेपर हुए हैं तो उनके क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं बंगाल पुलिस का भी ऐसे ही हुए हैं वो भी कवर कराए तो जिन भी स्टेट्स में जो भी एग्जाम होंगे और वहां के ऐसे क्वेश्चन जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में या रेलवे एस पूछ सकता है वो आपकी स्क्रीन पे लिखे होंगे लार्जेस्ट अगर एरिया के वाइज जोग्रफिकल एरिया के वाइज बोले तो रशिया ही है भाई रशिया कनाडा चाइना यूनाइटेड स्टेट ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अर्जेंटीना कजाकिस्तान ये आपके फर्स्ट टेन कंट्रीज हैं तो यहाँ पे रशिया करके याद रखिए रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसमें जोग्राफिकल क्षेत्रफल की दृष्टि बोली जा रही है रशिया पहले नंबर पर आता है और रशिया कंपेरिटिवली कम से कम डबल है कैनेडा का तो कैनेडा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है लेकिन कैनेडा से जस्ट एग्जैक्टली डबल आता है आपका रशिया कनाडा और चाइना में फिर कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा कनाडा चाइना यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इसमें इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत जो है वो सातवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश जो है वो बोला जाता है जो, जो रशिया का कम से कम तीन पंजे पंद्रह और आ, कम से कम छः गुना छोटा है रशिया से छ गुना छोटा अर्जेंटीना कजाकिस्तान और अल्जीरिया द लैंड बाजदा बाजद बजादा लैंडफॉर्म जो है वो कहाँ पे पाई जाती है बजादा भूमि रूप किस क्षेत्र में जो है ना वो पाया जाता है तो बजादा कहाँ के लिए करना पड़ेगा ना देखो आपको करना पड़ेगा आपको अगर ये लगता है ना कि बिहार एसएससी का क्वेश्चन मेरे एसएससी के पेपर में या रेलवे के पेपर में क्यों ही आएगा तो मैं आपको ऐसे हजारों इंसिडेंट दे सकते हो जहाँ पे स्टेट सर्विसेज का एक क्वेश्चन जो है ना वोट के सीधा सीधा एसएससी उठाती है और वाइस वर्षा भी अगर एसएससी का कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हालांकि एसएससी के क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज के नहीं होते हैं लाइक लेकिन वो क्या करते हैं वन लाइनर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा जो है ना ये कौन सी भूमि के एरिया को बोला जाता है तो माउंटेन पीक करके याद रखिए माउंटेन पीक पर्वत शिखर के जो क्षेत्र होते हैं ना उसको वजादा के रूप में आपका जाना जाता है ठीक है अब ये 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 वाले फैक्ट्स हैं इनको फटाफट -फड़ जो है ना वो थोड़ा सा ना यहाँ पे लर्न कर लीजिए इसको एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा तो माउंट पीक करके याद रखिए या माउंटेन पीक एरियाज जो बोले जाते हैं द फेमस पेंटिंग नेम्ड दमयंती ये दमयंती जो चित्रकारी है जो प्रसिद्ध चित्रकारी के नाम से जानी जाती है किसके द्वारा बनाई गई थी देखो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी जो है ना वो पूरी तरीके से पढ़ लो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो देखो अग, इन ये दोनों एग्जाम का ना नेचर आपका एक ही है कहीं कोई डिफरेंस नहीं है एस एस सी में बस आपको इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है रेलवे में आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ती बस लेकिन बाकी कोई डिफरेंस नहीं है लेवल भी जो है लेवल क्या होता है सिंपली मुझे आता है तो लेवल ठीक है मुझे नहीं आता तो लेवल मुश्किल है वाला अलग कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ना थ्योरी सेम है सब कुछ सेम है द फेमस पेंटिंग नेम दमियंती इज द क्रिएशन ऑफ विच फॉलोइंग पेंटर तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे अविंद्रनाथ घोष करके याद रखिए ठीक है अविंद्रनाथ घोष रविंद्र अच्छा र, अविंद्र का नाथ घोष तो वो है ना जिन्होंने भारत माता की फोटो बनाई थी इसमें राजा रवि वर्मा याद रखना इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका राजा रवि वर्मा है और अविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत माता भाई भारत माता की फोटो इन्होंने बनाई थी हमारे प्रसिद्ध भारत माता की जो फोटो है अविंद्र टैगोर जी के द्वारा राजा रवि वर्मा दमयंती वो हंस के साथ जो फोटो बनाई गई थी ये फोटो याद है आपको मैंने इसको आपको सात बजे की शाम की क्लास में दिखाया है मतलब अ फीमेल स्टैंडिंग ऐसे हंस के साथ एक फोटो जो है ना उसके लिए बोला जाता है मर्डेका कप ये किस खेल से संबंधित है एसोसिएटेड विद गेम जी राजा रवि वर्मा करके याद जो आप ये वाला बोल रहे हो ना ये आपके अः अविंद्रनाथ टैगोर जी इन्होंने भारत माता की प्रसिद्ध पिक्चर जो है ना वो बनाई थी तो राजा रवि वर्मा मदरका कप जो है ना वो किससे संबंधित है तो मदरका कप जो है वो स्टार्ट किया गया था मतलब कहाँ मेदर का टूर्नामेंट मलेशिया के अंदर में स्टार्ट किया गया था एंड दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट फुटबॉल बस आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं भाई बहुत सारी आज की जिसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है मैं आपको करा दे रही हूँ पहली तो यही कि आपकी कर्नाटका के द्वारा विनय समरस्य योजना जो है उसको लागू किया जा रहा है विनय समरस्य योजना जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है अब अप्रैल चौदह करके याद रखिएगा अप्रैल का महीना आने वाला है ये क्वेश्चन अंबेडकर जी का जो है ना वो इसीलिए ही आपका मैंने यहाँ पे ऐड किया था हालांकि वो क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं तो हमारे बाबा राव अंबेडकर जी के नाम पर अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर हटाने को लेके आपका जो विनय सामरस्य जो है वो लागू किया जा रहा है कहां पे लागू किया जा रहा है तो भाई कर्नाटका याद रखिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है आपके बसवराज बोमाई के द्वारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका राइट उसके अलावा काजीरंगा राइनो पॉपुलेशन जो है वो 200 टाइम्स जो है वो मतलब 200 इंक्रीज हो गई है क्या हो रहा है बफरिंग हो है अच्छा आप देखो यहाँ पे अब देखो 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 जल्दी से ठीक है काजीरंगा जो है वो आपके 200 नंबर जो है इनका बढ़ गया है पिछले सेंसस में दो हजार में इसका ना पिछली बार सेंसस हुआ सेंसस हुआ था लास्ट सेंसस 2018 में 2018 से ये जो दो हजार का सेंसस हुआ है उसमें काजीरंगा जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है ना काजीरंगा को ये आपका दो जो है वो बढ़ गया तो पहले संख्या जो हुआ करती थी वो दो हुआ करती थी आज की जो संख्या है वो दो हजार हो चुकी है वन आई ऑन राइनासोर एक सींग वाले गेंडे को बोला जाता है और ये एक्सक्लूसिवली आपके असम के काजीरंगा पार्क में ही पाए जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टीन डायरेक्टर जनरल आई एल ओ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चौदवे डायरेक्टर जनरल जो है वो आपके बनाए गए हैं जिनका नाम है गिलबर्ट हॉन्गवो और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भाई

के आ, आई के नए 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 राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो चुने गए आरबीआई गवर्नर जो है वो वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसको प्रोवाइड कर रही है बी एनएमपीएल को प्रोवाइड कर रही है यहां पे उसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक नोट क्या हो गया आ रहा है ना ये सारा का सारा हो रहा है ना यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक नोट जो है जिसको मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड या भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड इसने एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो शुरू की है मैसूर के अंदर जिसका नाम है वर्निका फोटो में आपको शक्तिकांत दास जी दिखाई दे रहे हैं और आपको पता ही होगा कि इंक के मामले में श्रीलंका के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है कि वहां के जो एग्जाम है ना वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं क्यों क्योंकि उनके पास ना तो इंक है ना पेपर है वर्णिका करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपको पूछा जाएगा वी आर बी एन एम पी एल इंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1500 मैट्रिक मेट्रिक Ton, जो है वो बैंक नोट्स की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आर अपनी मर्जी से अमाउंट ऑफ नोट जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता है तो पैसों को छापने की जो परमिशन होती है या पैसों को जो छापा जाता है वो आपके आ, या फॉरेक्स के हिसाब से आपका छापा जाता है कितना परसेंटेज गोल्ड जो है ना इससे रिलेटेड है तो गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में होता है ये आपका पूरा पैसे को छापने वाला दीपिका पादुकोण जी इनको टाइम के टाइम मैगजीन के हंड्रेड इंपैक्ट अवार्ड जिसमें टाइम हंड्रेड जो बोला जाता है उसके उसमें उनका नाम जो है वो रखा रखा गया है यहाँ पे तो टाइम हंड्रेड इंपैक्ट अवार्ड 2022 में दीपिका पादुकोण जी को इंक्लूड यहाँ पे किया गया बाली कतन ये अच्छा ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में अभी आपका बाली 2022 ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो बोला जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री और फिलिपींस के द्वारा ये आप आपका ना पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाता है तो बालिकेतन करके याद रखिएगा 28 मार्च से अप्रैल 8 के बीच में यानी कि अभी जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हो ना तो ये चल रहा होगा यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री और साथ में फिलीपींस जो है ना इन्होंने बालिकेतन दो 2022 जो है वो आपकी ऑर्गेनाइज की है उसके अलावा माल्टीज प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट अवेला इनको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव जो है वो जीत गए हैं 2022 में तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माल्टा करके याद रखिए रॉबर्ट अवेला जो है वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और माल्टा के जो अभी प्रधानमंत्री जो है ना वो इनको बना दिया गया रॉबर्ट अवेला माल्टा प्रधानमंत्री मैक्स वर्स भाई इन्हीं का नाम आपको हमेशा सुनाई देता है लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्सटेपन तो अभी मैंने आपको क्या बताया लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कि अब जरा जब भी फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स के लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे श्योर कर लीजिए कि लुइस हेमिल्टन जी ही हैं आंसर कहीं कुछ और तो नहीं है तो मैक्स वर्सैपन ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ना वो जीत लिया है तो मैक्स वर्सटेपन ने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जीत लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये अच्छा मैक्स वर्सैप्पन जो है वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं बत्तीस दांत तो दांत तो नहीं दिख रहे अब जीते हैं तो खुश तो होंगे यहाँ पे लेकिन ये बताइए मैक्स व स्टेपन ये कौन सी गाड़ी जो है वो चलाते हैं जैसे आपके रेसर के लिए बोला रेडबुल रेडबुल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका नीदरलैंड करके याद रखिए यहाँ पे नीदरलैंड और इसमें बाकी सारे जो सीक्वेंस में लर्न करना है आपको तो इसमें लुइस हेमल्टन का कहीं सेकंड और थर्ड पे भी आपको नाम जो है ना वो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैक्स वर्स्ट एपन रेड बुल जो है नीदरलैंड से बिलोंग 2022 का साउथ अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो है जे, जेधा में मना जो किया गया था उसमें आपको याद रखना है केरला बॉर्न राज सुब्रमण्यम ये फेडेक्स के फेडेक्स आपका डिलीवरी पार्टनर है ना फेडेक्स डिलीवरी करता है तो फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में ना इनकी अभी अपॉइंटमेंट जो है वो की जा रही है शशी सिन्हा ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन करके ना आपके बनाए गए हैं और कोजी कोजीकोड अच्छा आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इस इस आ, महीने खत्म होते होते अच्छा अप्रैल में आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ना शुरू हो जाती है तो आप पहले ही थोड़ा सा लर्न करोगे तो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अप्रैल मई के अंदर या अप्रैल के अंदर ही आपको ये पता लग जाएगा कि भारत के अंदर यूनेस्को में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो जुड़ रही है कि नहीं तो अभी ये बताइए कि एग्जिस्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तरफ से भारत के अंदर कितनी है ऑलरेडी मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया उसके अलावा कोजिकॉर्ड जो है ना ये सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से सिटी का टैग जो है वो जा पाना चाह रहा है जैसे अभी पीछे अहमदाबाद को दिया गया है जयपुर जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सिटी का दर्जा जो है वो प्राप्त किए हैं अहमदाबाद जयपुर उसी तरीके से कोट जो है ना वो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है उसके अलावा कोलम सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोची सिटी ऑफ डिजाइन त्रिशूर सिटी ऑफ लर्निंग और कन्नूर जो है वो सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के रूप में चार फॉर्म में केरला के चार एरिया जो है या चार सिटीज जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है उसके अलावा मेघालय का जो रूट ब्रिज है ना इसको भारत की तरफ से बोला गया है या टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे मेघालय का जो रूट ब्रिज है ना उसको भी शामिल यहाँ पे किया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसको भी याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकली मेघालय मेघालय के जो लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं जिंग किंग जिरी क्या बोला जाता है जिंग किरी जि... जिंग किंग जिरी और खासी हिल्स जो है ना और जयंतिया हिल्स जो है उसमें आपका ये पाया जाता है तो भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में एक दो लिस्ट जो है वो भारत में नई आपकी ऐड हो जाएगी अभी आज की डेट में कितने हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत की तरफ से तो फोर्टी नाइन आप याद रख लीजिए कितने हैं फोर्टी नाइन कितने हैं नहीं पता एग्जैक्ट नंबर चालीस है या फोर्टी है अच्छा रामसर साइट के हिसाब से

फोर्टी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपकी शामिल की गई है अजंता अलोरा एलिफेंटा विक्टोरिया और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये पांच चीजें महाराष्ट्र से हैं और रामसर साइट में फोर्टी नाइन रामसर साइट हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो मैक्सिमम नौ जो प्लेसेज है उसको यहाँ पे लेके रखा हुआ है ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आपको इतना सा लर्न करना है आज शाम को सात बजे की क्लास में राजस्थान जो है वो आपका होने वाला है और 6 पी की क्लास भी आपकी होने वाली है तो आपकी स्पेशल में दो क्लासेस होती हैं तो आपकी साइंस साइंस की एज इट इज के MC के उसके बारे में हम बात करेंगे दूसरा राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो 30 मार्च आज राजस्थान को डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई क्या हाल चाल है राजस्थान का राइट यहाँ पे दूसरी चीज ये कि एस एस सी सी एच एस एल में मेरा सेशन जो है वो चल रहा है तो आप लोगों में से जो प्लस बैचेस ज्वाइन करें मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी प्लस क्लासेस होंगी वो आपको एसएससी सेगमेंट में नजर आएंगी अगर आपको बायो की पूरी थ्योरी करनी है बिल्कुल आराम से समझते हुए तो आप ये प्लस क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे मेरी आपको किसी ना किसी बैच में प्लस क्लासेस जो है वो आपको नजर आ ही जाएंगी ठीक है और शिप्रा टेन कोड यूज करके आप एस एस सी के एग्जाम्स जो है ना उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहाँ पे ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको थ्री ट्वेंटी फाइव रुपीज जो है वो पड़ जाता है चार्ज क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इट विल टेक एटलीस्ट वन ईयर चाहे आप एस एस सी की तैयारी करो या किसी भी और एग्जाम की ठीक है तो आप पी डीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अब बताइए क्लास आपकी ये सात बजे से लेके आठ बजे तक होती है आपकी हाँ देखिए एस एस सी से रेलवे जो है वो आपका हो गया ठीक है एस एस सी से आप रेलवे जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन रेलवे से एस करना जो है आज इसीलिए विजेंद्र जल्दी क्लास खत्म हुई है क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन था नहीं हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जीके का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो अलग से एक वीडियो में डाल दिया जाए ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो हाँ अभी क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस कि अप्रैल से ही शुरू करने वाले ये चीज़ जैसे आपके मैंने बोला था ना कि दो तीन आपके छोड़े थ्योरी क्लासेस आएंगे तो वो अब अप्रैल से चालू हो जाएंगे Uh, ये क्लास को सात से आठ ही रखेंगे और साढ़े आठ से नौ के बीच में आपके पास एक सेशन आ जाएगा जो जीके का सेशन होगा ठीक है